subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Ma, na ma. चारों तरफ तो तुम्हारी भाभी कोई ना कोई गुल खिला रही होती है। अच्छा, क्या भाभी ने कोई बाग बनाया? बाग बनाया नहीं, बाग उजाड़ा है। लेकिन मुझे तो इस वक्त तुम्हारे ख्यालात बागी दिखाई दे रहे हैं और तुम्हारे लहजे से बगावत की बू आ रही है। काबिल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी मेरा दिल इस घर से बागी हो चुका हुआ है। लेकिन देखो, मैं तो हर वक्त तुम्हारा दिल बाग बाग करने की कोशिश करता रहता हूँ। ज्यादा उर्दू छाड़ने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कोई तरकीब सोचो भाभी और भैया को घर से निकालने की। हाँ, मेरी ना अपने बॉस से बात हुई है, मैंने उन्हें बताया कि ये घर हमें छोटा पड़ता है। दरअसल ये घर हमें छोटा नहीं पड़ता, ये जमीन तंग हो चुकी है, और वैसे भी मैं तुम्हारे भाई और भाभी के साथ गुजारा नहीं कर सकती। ओहो भाई, कमाता तो मैं हूँ ना, तुम्हारा क्या मसला है? कादर, मैं उनके मुंह पर तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलती हूँ, लेकिन एक आंख नहीं भाते वो मुझे। हाँ तो ये तो तुम्हारी मुनाफकत है ना, इसमें उनका क्या कसूर है? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे एक मौका जिंदगी में सुकून से गुजारने का दे दो। ओहो भाई, तुम्हें यही गिला है ना कि शायद भाई और नसीम भाभी कमाते कुछ नहीं। तो कल मेरी नसीम भाभी से बात हो गई है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो एक हफ्ते में कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगी। बिजनेस? बिजनेस के तो उनको नाम की स्पेलिंग तक नहीं आते। ओहो भाई, एक ही हफ्ते की तो बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कादिर, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर उन्होंने मुझे पैसे कमा के ना दिए तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी, सुन लो। नहीं नादिया, बात सुनो मेरी। नादिया, हेलो नादिया। मैके चली जाऊंगी, ये अगर मैके चली गई तो मैं क्या करूंगा? अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन क्या है, आज पहली तारीख तो नहीं है? नहीं, मगर आखिरी तारीख तो आ गई है ना, तो मैंने कहा कि जरा इस टूथब्रश पर टूथपेस्ट तो लगा दो। बस नर्सरी ना, आप कब तक यूँ मांग मांग कर गुजारा करेंगी? ये जब तक मेरे रिश्तेदार सलामत हैं, मेरे देवर और भाई हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं किसी और के आगे हाथ फैलाऊं? ऐसे आप और आपके शौहर आखिर काम क्यों नहीं करते? ये नौकरी वोकरी करना जो है ना, ये तो ऐसे छोटे मोटे लोगों का काम है, हम तो बिजनेस करेंगे। क्या क्या कहा आपने, बिजनेस? और आप, लगता है आपका दिमाग माफ हो चुका है। वैसे आप और बिजनेस, मुझे तो लगता है आप पर किसी ने तावीज करवा दिए। वैसे भाई तवेज, ये तो बताइए कि आप बिजनेस कौन सा करेंगी? ये तो अभी मैं सोच रही हूँ। वैसे आइडिया है? कैसा आइडिया? मैं तावीजों का बिजनेस करूंगी। क्या, तावीजों का बिजनेस? और आप? हाँ, मैं पीरनी बन जाऊंगी, और वैसे भी अल्लाह ने मेरे हाथ में बहुत शिफा दी है। सलमा, तुम्हें पता है कि मेरे अब्बा ने कुछ अरसे एक डंगर क्लिनिक चलाया था, और मैं वहां पर टीके लगाया करती थी भैंसों को और मुर्गियों को, और वो हैरत अंगेज तौर पर सबकी सब ठीक हो जाया करती थी। हाँ, मौत तमाम दुखों का इलाज जो है। खैर सलमा, तुम मेरे लिए मार्केटिंग करोगी, मैं तुम्हें इनकम में से एक परसेंटेज भी दूंगी। ना ना ना, मुझे तो आप इस बिजनेस से दूर ही रखे तो बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको ये टूथपेस्ट दे देती हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये आखिरी दफा है, और आइंदा मुझसे मांगने के लिए मत आ जाना। ओ भाई, तुम तो हमेशा इस तरह आती हो जिस तरह कोई एम्बुलेंस आती है। नादिया बेगम, तुम्हारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? तुमसे शादी करने के बाद तो इस तरह लगता है मैं किसी रेस लगाने वाली बस में बैठ गया हूँ। कादर, कादर, वो नसरीन भाभी। ओहो, अब क्या हुआ है भाभी को? कादर, मुझे तो लगता है कि भाभी को कुछ हो गया। उन्होंने पूरा घर खाली करवा दिया। पहले तो पूरे घर पे काले कलर का पेंट करवा रही थी, मेरे मना करने पर उन्होंने काले कलर के पर्दे लटका दिए। लगता है कादर उन्हें कुछ हो गया, जल्दी करो ना। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई खतरे वाली बात है, चलो चल के देखते हैं। चलो जल्दी चलो। चलो भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे देखा।
देख नहीं रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट करने की तैयारी कर रही हूँ। नया बिजनेस? ये कौन सा नया बिजनेस है? आपने क्या दीमक मारने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया? नहीं, तुम्हारी भाभी पीरनी बन गई है। मेरी भाभी? कौन सी भाभी? ए, मेरा तो एक ही भाई है भाभी, वो जो आपका खाविन नहीं। मैं अपनी ही तो बात कर रही हूँ। भाभी, अब पीरनी कैसे बन सकती है? आपकी अपनी मुरादें तो पूरी होती नहीं है। तुम देखना मेरी हर मुराद अब पूरी होगी। मैंने तो फरजाना से तावीजों का कोर्स भी कर लिया है। फरजाना कौन है? वो जो टेलीविजन पर कुकिंग का प्रोग्राम नहीं करती, ऐसी बिरयानी दम करती है और ऐसा अच्छा दम करती है, तावीजें भी लिखती है वो। ओ भाभी, ये कौन सा बिजनेस है तावीजों का? आप किन चक्रों में पड़ गई हैं? बहुत बड़ा कादर और बहुत फ्रूटफुल बिजनेस होता है, बस दो चार क्लाइंट आने दो, फिर देखना मैं कैसे मशहूर हो जाऊंगी। लेकिन आप मशहूर कैसे होंगी? तुम लोग मशहूर करोगे ना मुझे। एक दफा यहाँ पर दो चार क्लाइंट्स आ गए तो फिर तुम देखना कि यहाँ पर कैसी लाइनें लग जाएंगी। ऐसी लाइनें लगेंगी कि क्या ही बैंकों के सामने लाइनें लगती हैं बिल जमा करवाने वालों की। लेकिन भाभी, हम क्लाइंट लाएंगे कहाँ से? ये अपने आसपास से। कातिर, हर बंदा तो आजकल परेशान है। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को औलाद की तवक्को है, किसी की सांस काबू में नहीं आ रही, किसी की बहू उसके हाथ से निकले जा रही। अरे हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम तो है। हाँ भाभी, मुझे याद आया, वो जो मेरी सहेली है ना, उसकी सांस ने भी उसके नाक में दम कर रखा। बस कोई बात नहीं, तुम उसको मेरे पास ले आना। 4,000 रुपए में मैं ऐसा दम करूंगी कि सास की नाक ही नहीं रहेगी। लेकिन नाक में दम तो मेरी सहेली के आया हुआ है। तो कोई बात नहीं, उसको भी ले आओ, उसकी नाक पर दम कर दूंगी मैं। वैसे नादिया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ऐसा बिजनेस है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, इसमें सिर्फ अच्छी मार्केटिंग की जरूरत है। बिस्मिल्लाह, बैठने का। भाभी, इसमें हमारा कितना शेयर होगा? तुम दोनों का। हर क्लाइंट पर 20% ले लें। शबनम, तुम कहाँ हो? तुम टेलीफोन पे कब तक होगी शबनम? 4:15 हो गई, अभी तक तुम्हारी कॉल नहीं आई। समझ नहीं आ रही, शबनम खुदा के लिए मुझे कॉल करो, मेरी बीवी किसी वक्त भी आ सकती है। अगर आज तुमने कॉल नहीं की तो मेरा दिन जाया हो जाएगा। तुम कहीं और के साथ तो बिजी नहीं हो फोन पे? खुदा के लिए फोन करो, कॉल करो। तुम्हें ये नजर हमारी आ गई कॉल अचानक, बहुत ही उम्र है हमारे ने, बड़ी उम्र है तुम्हारी। हाँ जानो, मेरे पजामे सिल गए भाईजान। पजामे आज सिल गए तो फिर मैंने उधेड़ दिए, या जख्मे तमन्ना चाकूर है और उसको पजामे की पड़ी हुई है। अबे अपने पजामे खुद क्यों नहीं सी लेता तू? याकूब, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अब्बा का पजामा सी रही थी? साइमा, ये तुम हो साइमा? मुझे यकीन था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगी। वो मैं अब्बा का पजामा सी रही थी ना, तो इसलिए देर हो गई, अब्बा को कॉल नहीं कर सकी। उफ, मेरा मतलब है कि अब्बा का पजामा सी रही थी तो आपको टाइम पर कॉल नहीं कर सकी। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन क्या बात है, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम कुछ परेशान सी हो। हाँ याकूब, वो मेरी अम्मा शादी करने पर तुली हुई हैं। हैं? तुम्हारे घर नए डैडी आ रहे? क्या बात है, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे डैडी में कुछ अनबन है या बनती नहीं है, क्या बात है? नहीं भाई, वो मेरी शादी करना चाहती हैं। नहीं, कह दो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, कह दो ये। ये नहीं हो सकता साइमा, प्लीज। लेकिन याकूब, मैं क्या करूँ, मैं तो आपसे कभी मिली भी नहीं हूँ, मैं तो आपको सिर्फ फोन की हद तक जानती हूँ, आपको देखा तक नहीं है मैंने। साइमा,
मैंने तो तुम्हें देखा है ना ख्वाब में। हाँ सहमत, एक दफा मैं ख्वाब देख रहा था, सहमत तुम्हारे चेहरे पे बहुत नूर था। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे डैड कॉलेज के अलावा मुझे कहीं जाने नहीं देते, मेरे डैडी मुझे जिम भी नहीं जाने देते, मैं क्या करूँ बताया। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, कल लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। लड़के वाले देखने आ रहे हैं? सहमा तुम कुछ बहाना कर दो, लड़के को देख के बेहोश हो जाओ, कुछ करो। कोई बहाना नहीं चल सकता याकूब, कल लड़के वाले आएंगे और मुझे पसंद करके चले जाएंगे। तुम अपने डैडी के डर की वजह से मुझे कभी हासिल नहीं कर सकोगे। सहमा तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो ना। देखो कल मुझे नानी ने लोरी से पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक परी पे जिन आ गया, फिर उस परी से किसी ने शादी नहीं की है? समझ रही हो ना मेरी बात? लेकिन मुझे क्या पता कि जिन कैसे आता है। देखो तुम एक काम करो, तुम्हारे नीचे ना वो वीडियो सेंटर है ना, वहां से एक फिल्म मंगाओ हॉरर किस्म की, जन उसको देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि जिन कैसे आता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर ये भी कर लेती हूँ, लेकिन तुम जल्दी अपने मम्मी डैडी को लेकर मेरे घर आओगे ना। देखो दुआ करो मेरे बीवी जो है ना वो जल्दी महके चले जाए, फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि मेरी अम्मी महके से आ जाए ना, फिर मैं अपनी मम्मी के साथ तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी डोली लेके जाऊंगा, तुम हो ना हो डोली जरूर ले जाऊंगा मैं, ये बता। ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मुझ पर जिन आ जाए। खींच के ले आओ जिन। सलमा तो नहीं आ गई? मेरा ख्याल है मेरी मम्मी आ गई है, तो मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ। नहीं हॉस्टल रखो, देखो रोना बंद करो, चलो ओके बाय। देखिए पीरनी जी को। देख नहीं रही पीरनी जी मराक पे मैं। कमाल है, जब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगी इन्हें पता कैसे चलेगा मेरा मियां मुझ पर इतने जुल्म करता है। पीरनी जी को सब मालूम है, मैंने भी उन्हें तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं बताया। ये बड़ी पहुंची हुई पीरनी है। उनके अब्बा भी बहुत पहुंचे हुए, वो तो एक दिन वहां भी पहुंच गए। वहां? वहां कहां? भाई जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। तुम हमें तंग करने के लिए क्यों आ गई हो? पीरनी जी ये बेचारी बड़ी दुखी है, इसका जो शौहर है ना दूसरी शादी करना चाहता है ना। जी अम्मा। अम्मा? अरे तुमने मुझे अम्मा कैसे कह दिया, मैं तुम्हारी अम्मा लग रही हूँ क्या? तुम्हें तो मैं तो मैडम पीरनी। जी मैडम पीरनी जी, मैं बहुत परेशान हूँ, न जाने उस कलमोही ने मेरे मियाँ पर क्या जादू कर दिया है, वो उसे देखे बगैर रह नहीं सकता। तावीज अपने मियाँ को रात को ठीक 12 बजे पिला देना, इसके पीने के बाद तुम्हारा मियाँ दूसरी औरत को कभी नहीं देखेगा। सच? क्या मेरा मियाँ उस कलमोही का ख्याल अपने दिल से निकाल देगा? नहीं, इसको पीने से तुम्हारे मियाँ की बिनाई जाती रहेगी। क्या? लेकिन भैंस नहीं पीनी जी से, तावीज पकड़ो और जाओ यहाँ से। और दूसरी बात, पैसे देकर जाना, अगर तुमने पैसे ना दिए तो पीरनी जी को जलाल आ जाएगा और तेरे मियाँ की शादी दूसरी औरत से करवा देगी। सिर का हक। हाँ, ये तुमने अच्छा किया कि तुमने चाय उंडेल दी उसके ऊपर, भाई वो कम से कम अब किसी के घर चाय पीने तो नहीं जाएगा। याकूब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मिलेंगे बिल्कुल, मेरे बोल मिलने मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे नहीं याकूब, आप मुझसे आज ही मिलें, अब तो मेरी आपसे ही शादी होगी। हाँ तुम्हारी शादी जो है ना वो मुझसे, हाँ देखो अच्छा मुझसे ही होगी। और कोई तो अब मुझसे वैसे भी शादी नहीं करेगा। वो क्यों भाई? भाई सब लोग मेरे जिन से डर जो गए हैं, और पता है कल तो अम्मी मुझे किसी जिन उतारने वाली औरत के पास लेके जा रही हैं।
इसका मतलब तुमने बड़ी फैंटास्टिक एक्टिंग की है। हाँ याकूब, शुरू तो मैंने एक्टिंग में ही किया था, मगर मगर याकूब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने लड़की पर चाय गिराने के बाद घर के सारे बर्तन तोड़ दिए और कब मैंने लड़के की अम्मा के मुंह पर थप्पड़ मारे। तुम क्या कह रही हो सकमा? मगर याकूब तुम अब फिक्र ना करो, अब मेरी शादी सिर्फ तुम से ही होगी। हाँ शादी तो मुझसे ही होगी तुम्हारी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये उस औरत के पास क्यों जा रहे हो जो जेन उतारती है। भाई तुम्हारा मकसद तो हल हो गया अब, और लड़के वाले तो भाग ही गए। चलो कोई बात नहीं, ये अम्मी की जिद है तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी वो औरत हमारे पड़ोस में ही रहती है। पड़ोस में? पता नहीं कौन है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। बहरहाल आप तुम एक काम करो, ये अब ये ना कल ये नाटक वाटक खत्म कर दो। हाँ ओ मेरे ख्याल से अम्मी आ रही है। अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा अम्मी आ रही है। अच्छा, अरे हाँ याद आया, उस औरत का नाम नसरीन है। नसरीन? ओके अम्मा, हेलो हेलो अनूत। हक हक अल्लाह, हक हक। हाँ तो बीबी ये बताओ कि इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आई हो? बीबी जी इस लड़की पर जिन का साया हो गया। तो फिर इसको यहाँ क्यों लेकर आ गए? मुझे तो जिन से बात करना है। ये क्लाइंट है, क्लाइंट। अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो बीबी तुमने बहुत अच्छा किया जो इसको बर वक्त यहाँ ले आई। अब तुम देखना कि मैं इसके जिन को किस तरह से ज़ूम कर देती हूँ। शुम नसरीन बेगम, ये जो तुमने पीरनी बन के ड्रामा लगा रखा है ना, मैं खूब जानता हूँ। और इस लड़की से दूर रहो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जाओ जाओ, तुम जिन हो गए अपने घर में, मैं सब जानती हूँ तुम्हें। ये सारा ढोंग रचाया हुआ तुमने। बस लगता है तू यूं नहीं मानेगी, तुझे मजा चखाना पड़ेगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्यों मान लूं, कैसे मान लूं कि तुम जिन ही हो? अच्छा कहो तो तुम्हारे सारे पोल खोल दूं कि किस तरह तुमने 2 दिन में लोगों को झूठे तावीज देकर कितने पैसे बटोरे हैं? ये वाकई कहीं जिन तो नहीं है? उसको सारी बातें बताई, तुमने तो नहीं बताई। नहीं भाभी बकवास कर रही है, इसके अंदर कोई जिन नहीं है, शादी से बचने के लिए सब कुछ कर रही है। अच्छा मगर ये मेरे मोकल्स ने बताया है कि इसके अंदर कोई जिन नहीं है, ये सारा ड्रामा तो शादी से बचने के लिए कर रही है। तो फिर बीबी जी बताएं क्या करूं? तुम्हारे मोकल जो तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हैं मैं इनको भी अच्छी तरह जानता हूँ, और इस सलमा के बलमा को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। क्या नसी, ये तो मुझे सचमुच का जिन लगता है, ये तो यकूब को भी जानता है। शुक्र है तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ याकूब भाई, खैरियत तो है? पता प्रॉब्लम क्या है, मेरी जिंदगी है खतरे में। खैर आखिर हुआ क्या याकूब भाई, बताएं तो सही। देखो तुम्हें तो पता है कि जिंदगी में मेरी कोई तफरी तो है नहीं। हाँ नहीं, बस जरा सलमा घर से बाहर जाती है तो फोन पे लड़कियों से जरा बातचीत कर लेता हूँ, इसमें कोई हर्ज है? नहीं कोई हर्ज नहीं। तो तुम भी शुरू करो। समझे नहीं मतलब कि मैं सलमा को अब कैसे समझाऊं? वो आखिर हुआ क्या है, क्या आप फोन पे बात करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं? नहीं अभी तक तो मैं महफूज हूँ, लेकिन लगता है कि मैं ज्यादा अरसे बचूंगा नहीं। हाँ उम्र काफी हो गई है। यानी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मैं प्रॉब्लम है हुआ? अच्छा अच्छा मेरी बात सुनिए, आप मुझे तफसील से बताएं हुआ क्या है। चलो बताता हूँ। मैं तो परेशान, मसला तो काफी बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप ऐसे करें आप मेरे साथ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। आप बेफिक्र हो, क्या मैं जिम्मेदार हूँ? तुम जिम्मेदार हो फिर? आप देखिए आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने बीवी से मार खाता। आया
भी आ गया। अगर तूने इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। और सलमा समझा ले अपने मियां को, ये रोज इस लड़की को फोन करके झूठी मोहब्बत जताता है। क्या? यको, ये क्या कह रही है? सच्ची मोहब्बत। क्या? तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं सलमा। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या झूठ ऑल फॉल बोल रही है। मैं तो इसको जानता तक नहीं हूं कि ये लड़की है या लड़का। तुम समझे नहीं, असल में जिनके हस्बैंड हैंडसम होते ना उनके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू अक्सर होती रहती है। हैंडसम? शक्ल देखी है अपनी आईने में? सुबह आईने में मैंने शेव किया, क्यों डार्लिंग? अरे तुम्हारी जैसी शक्ल वाले जिनों की तो हमारे यहाँ शादी भी नहीं होती। इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी। खूबसूरत? इस जिन की आंखों का टेस्ट कराओ। क्या? मेरा मतलब है खाली खूबसूरत कह रही है, बहुत ही खूबसूरत हो। क्या शक इसमें? और फिर भी तुम इस मासूम लड़की के पीछे पड़े हो। सलमा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलमा चक्कर से आ रही है, पता क्या हो रहा है? चक्कर ही आएंगे अब। मुझे तो लगता है ये वाकई जिन है, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सलमा, वो अल्लाह वाला तावीज कहाँ है? बुलाओ। हक, अल्लाह हक। घरों लग के गाने सुन रही है, बैठ के सुनो, बैठ के। बीवी का भी हक होता है। हक, अल्लाह। मम्मी मैं कहाँ हूँ या मुझे कहाँ ले आई है? मम्मी मां सब के अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची ठीक हो गई है। देखा बीवी हमने कैसा जिन निकाल दिया है इसमें से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले जी, ये आपका मुआवजा। बीबी जी अब मेरी बेटी पर कभी जिन नहीं आएगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और अब इसको अपने घर ले जाओ। जाओ चल। शुक्रिया जी, सलाम बीबी जी। फोन नंबर यार, फोन। हो नसीम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है ना ये जिन वाली लड़की से मेरी जान बचा दी। पता नहीं मेरे बारे में क्या ऑलफॉल बातें कर रही थी। हाँ अरे भैया मैंने कहाँ भगा दिया, मुझे तो खुद इतना खौफ आ रहा था कि सचमुच का जिन आ गया है। मुझे क्या पता था कि इस तरह के भी केस आएंगे। जो हुआ अच्छा हुआ और मैंने 4,000-5,000 रुपए तो कमा लिए है ना। खैर अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा ख्याल है मैं जाके जरा कुछ आराम करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तीन औरतें तीन कहानियाँ। नसीम तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया, और कादिर तुमने बड़ा साथ दिया, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई जान। अपना सलमा चलो उठो, चलो घर चलो। तुम्हें तो मैं घर चल के पूछूंगा। पूछूंगा।